नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के नए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक बड़ा हमला किया। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए हुड्डा द्वारा निशाना साधे जाने के बाद सोमवार को उन पर पलटवार भी किया। दुष्यंत ने कहा कि हुड्डा ने अपने शासन में सीएलयू के नाम पर घोटाला कर हरियाणा को जमकर लूटा था। दुष्यंत के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा अब जेल जाने के लिए तैयार रहे। जी हां, हरियाणा में भाजपा और जेजेपी की सरकार के शपथ ग्रहण के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सिरसा पहुंचे थे। वे सोमवार को अपने समर्थकों से रूबरू हुए। इससे पहले दुष्यंत चौटाला और अपने पिता अजय सिंह चौटाला के साथ पूजा एक साथ की। उन्होंने पूजा अपने निवास स्थान पर ही की थी सिरसा में। सुबह भी उनके सिरसा निवास पर भारी संख्या में लोग उमड़े। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नए युग की शुरुआत हुई है। प्रदेश में तजुर्बा और युवा जोश मिलकर के परिवर्तन के लिए मजबूत नींव रखेगी। ये सरकार राज्य की नई दिशा देने का काम करेगी। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा वासियों को, देशवासियों को दिवाली के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। और हरियाणा प्रदेश ने एक नई सरकार के तौर पर नई जिम्मेवारी इस पावन पर्व जो दी है, ये विश्वास दिलाते हैं कि मिलकर हरियाणा प्रदेश को प्रगति के उन्नति के पथ पर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ले जाने का काम करेगी। प्रदेश ने जहाँ जिम्मेवारी दी है वहीं जवाबदारी भी दी है और ये विश्वास है कि एक एक कदम जो आने वाले भविष्य के 5 साल में उठाया जाएगा इस जिम्मेवारी के साथ, वो प्रदेश को प्रगति और उन्नति के पथ पर ले जाया जाएगा। युवा के अधिकार दिलेंगे, किसान के खुशहाली आएगी, महिला को व्यापारी को सुरक्षा दी जाएगी। इन तमाम विषयों को लेकर मनोहर लाल खट्टर जी और मैं मिलकर प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। आप सबको त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह आगे प्राथमिकता रहेंगी आपकी? प्राथमिकता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र के ऊपर एक कमेटी का गठन कर प्राथमिक तौर पर 75% रोजगार में हिस्सेदारी युवा की हो, किसान को MSP का उचित दाम मिले, ये 300 किलोमीटर जो बच्चों को बसों में जाना पड़ता था उस व्यवस्था को सुधारा जाएगा। उसके साथ साथ क्राइम रेट जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है, सबसे पहला कदम उसको कंट्रोल करने के लिए उठाने का हम काम करें। हुड्डा का कहना वोट किसी को सपोर्ट किसी को, वोट तो ना बीजेपी के पक्ष में हमने मांगे थे ना कांग्रेस के पक्ष में मांगे थे। जनमत ने 18,60,000 वोट जननायक जनता पार्टी को दिए, जिससे 10 विधायक का चुनकर विधानसभा में पहुँचे। मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व ने, जननायक जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि प्रदेश में स्थायी सरकार चलाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और उस निर्णय को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मनोहर लाल खट्टर जी ने और मैंने प्रदेश के अंदर ये आज निर्णय लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग
आज कह रहे हैं कि वोट किसको, सपोर्ट किसको, उनसे ये पूछने का काम किए क्या हमने उनके पक्ष में वोट मांगने का काम किया। वो तो वो लोग हैं जिनने CLU का काम कर 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 इस प्रदेश को लूटा। लोग भूले नहीं कि 10 साल के अंदर 63,000 एकड़ जमीन कैसे ली गई। पारदर्शी तौर पर हरियाणा प्रदेश को आने वाले 5 साल में हम चलाएंगे, जिससे कमेरा किसान आगे बढ़ेगा। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने हर वर्ग को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया था, हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सरकार के तौर पर हरियाणा प्रदेश को इसी मजबूती के साथ आगे ले जाने का काम। मंत्रिमंडल में कौन से जज्बा के विधायक शामिल होंगे? अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो विस्तार की तारीख रखी जाएगी, विधानसभा का सेशन बुलाने के लिए कैबिनेट की बैठक ली जाएगी और उसके बाद के निर्णय है कि कौन सी पार्टी से किस पद पर आकर। जी, आज मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, बैठक कर रहे हैं कि उनकी कैबिनेट में कौन होगा, आपकी कोई बैठक हुई है अभी या करनी है? इस तरह की त्यौहार है, पहले त्यौहार बना ले उसके बाद के निर्णय। 14 साल बाद इस घर में सत्ता वापस आई है, समर्थकों में किस तरह का? तो एक चीज कहूँगा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से, एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम से 14 साल का वनवास इस पावन दिवाली के पर्व पर करना। 14 साल बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो वहाँ खुशी बनाई गई थी, और मुझे लगता है कि अगर आपके कैमरे ने देखा होगा तो 14 साल बाद चौधरी देवीलाल के एक एक परम भक्त के मुंह पर जो रौनक आज आपको दिख रही है, वो कहीं ना कहीं वही दिवाली जैसी खुशियां दोबारा लाने का काम। धन्यवाद। हरियाणा के किसान, गरीब और मजदूर के घर में आज दिवाली पर दिवाली जो है खुशहाली लेकर के आई है, खुशियाँ लेकर के आई है। चौधरी देवीलाल जी के विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों के पर आज खुशी का माहौल है। जो मैंडेट 15 लाख लोगों ने, 15 से ज़्यादा लाख लोगों ने, कहूँगा 20 लाख लगभग लोगों ने, 15% हरियाणा प्रदेश की जनता ने तो दुष्यंत चौटाला के पक्ष में वोट डालकर 10 सीटें दुष्यंत को जिम्मेवारी के तौर पर देकर एक नए सूरज को उदय किया, एक नई शुरुआत की। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं उन्हें देता हूँ और अब मैं ये उम्मीद भी इस शुभ दिवाली के अवसर पर करता हूँ कि जिन विषयों को लेकर के हमने BJP के साथ ये सरकार बनाई है, दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल जी दोनों मिलकर के, चाहे वो किसान की कर्जे माफी की बात हो, चाहे नौजवान के 75% आरक्षण की बात हो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन को 5100 करने की बात हो, हरियाणा प्रदेश में लोगों को सुरक्षा का बहाव देने की बात हो, महिलाओं का सम्मान हो, व्यापारियों को सुरक्षा मिले, हर वर्ग 36 बिरादरी, चाहे खेल खिलाड़ी की बात हो, हर वर्ग की अब सुनवाई चंडीगढ़ में होगी और अगले 5 साल बड़ी मजबूती से मिलजुल करके इन सभी वर्ग जिनकी मैंने बात की, इन सब के मुद्दों को जमीनी हकीकत बनाने का काम ये दोनों लोग चंडीगढ़ में मिल बैठ करके करेंगे। और ये तो एक शुरुआत है, मैं मानता हूँ जननायक जनता पार्टी पर जो विश्वास कायम हरियाणा प्रदेश के लोगों का हुआ, आने वाले 5 सालों में हमने इस पार्टी का विस्तार भी हमने प्रदेशों में करना है, हमने प्रदेशों तक इसको लेकर के जाना है, उसका अंतर हम मिल जाए। मंत्रिमंडल में जसपा के कौन से? दुष्यंत जी के बीच में हुए और आदरणीय अमित शाह जी के बीच में और मनोहर लाल जी के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि कौन से मंत्री, क्योंकि सरकार एक आदमी नहीं चला सकता और ना ही आज की सिचुएशन में कोई पार्टी सरकार चला सकती है, तो मिलजुल के सरकार चलानी पड़ेगी और मिलजुल के तभी सरकार चलती है जब अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की हो। और मैं मानता हूँ कि मनोहर लाल जी की और दुष्यंत की अंडरस्टैंडिंग, चाहे पार्टियों का नाम अब अलग हो मगर जो ये मुद्दे हैं इन पर अंडरस्टैंडिंग एक होगी, और जब अंडरस्टैंडिंग एक होगी तो फिर चाहे मंत्री की संख्या कुछ भी हो वो ज़्यादा मायने नहीं करता कि कौन सी पार्टी के किसके ज़्यादा मंत्री हैं, किसके कम हैं। अब तो मिलजुल करके हमारा मकसद सत्ता में आकर सुख भोगना नहीं है, तो लोभ लालच कुर्सी का नहीं है, हमारा मकसद केवल मात्र जो है इस आज के दौर में BJP के साथ आने का केवल मात्र इतना है कि हम गरीब किसान और मजदूर के हितों की रक्षा आज कर सकें और चंडीगढ़ में सत्ता का हिस्सेदार और भागीदार इस वर्ग को बना सकें। चंडीगढ़ में आपकी सोच को रखने वाला व्यक्ति सेक्रेटरियट में बैठे, इसीलिए हमने इनके साथ समझौता BJP के साथ किया। पहले भी हमारा समझौता BJP के साथ है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर रहा है
और आज भी ये हुआ है, मैं इसको सकारात्मक दिशा में देखता हूँ। मैंडेट फ्रैक्चर रहा, 40 सीटें उन्हें मिली, 10 सीटें हमें मिली, कुछ निर्दलियों को मिली, कुछ कांग्रेस को मिली, हालात परिस्थितियाँ ऐसी बन गई सरकार के अंदर भागीदार बनकर कुछ काम हो सकते हैं, तो मैं मानता हूँ फैसला भूषण जी ने लिया, आज उसकी चारों तरफ सराहना। दिग्विजय हुड्डा का कहना है कि वोट किसी की सपोर्ट किसी की, हुड्डा को तो एक बात का पता है कि जो तुमने चौटाला साहब और अजय सिंह जी के साथ किया था, जो फसल बोई थी अब उसको काटने का समय आ गया, भूपेंद्र हुड्डा को जेल जाना होगा, इसमें कोई दोराय नहीं। और जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा की सभाओं में कह करके गए थे कि वो लोग आज जेलों की चौखट पर खड़े हैं, तो इसलिए भूपेंद्र हुड्डा को ये लगता है कि अब तेरी दाल तो गली नहीं, इसलिए अब तेरे को जेल ना जाना पड़ जाए, इसलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का गरीब किसान और मजदूर आज खुशी मना रहा है, और भूपेंद्र हुड्डा के पेट में दर्द हो रहा है, आप इसी से जान सकते हैं कि उसके क्या कारण रहे होंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि अजय सिंह को पेरोल भी क्यों मिल गई, किसी का बेटा मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले उप मुख्यमंत्री, और भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनको तो मेरे पिताजी भी जेल से बाहर आए हुए पसंद नहीं, क्योंकि जेल में बनवाने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया, और अब वो सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा को अपने पर आता है नजर आ रहा है, इसलिए वो तो उनको तैयार रहना ही चाहिए, इसमें कोई डराए नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ।